चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। टेबल तो लास्ट में बनवा दी थी और नेक्स्ट बार की तरह उसको टेबल को देख लीजिए। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग और फिर इधर दे रखा है बी और आई, बी और आई। और ये दे रखा है 2.0 वोल्ट 2.4 वोल्ट और करंट है 60 मिली एम्पियर 80 मिली एम्पियर। रिवर्स बायसिंग 0 वोल्ट -2 वोल्ट 0 माइक्रो एम्पियर और -0.25 माइक्रो एम्पियर। ये डेटा दे रखा है। उसके बाद ये बोलते हैं assuming the characteristics to be nearly linear, assuming the characteristics to be nearly linear, assuming the characteristics to be nearly linear over this range calculate the forward and reverse bias resistance, calculate the forward and reverse bias resistance of the given diode, of the given diode. उन्होंने क्या करा है कि जब भी कभी ऐसा हो जाता है, वैसे तो डायोड लीनियर जो रिलेशन होता है वी और आई के बीच, यानी कि ओम्स लॉ, वो ओम्स लॉ को वैसे तो फॉलो करता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है assuming the characteristics to be nearly linear, linear का मतलब ये है कि v is equal to ir, समझ रहे हैं। जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ यही तो होता है कि यहाँ पर अगर आपने करंट ले लिया, यहाँ पर वोल्टेज ले लिया, तो दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होती है, ठीक। उन्होंने वही बोला है कि assuming the characteristics to be nearly linear, nearly linear का मतलब क्या है कि v is equal to ir, ये ओम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अब आप ये देखो कि फॉरवर्ड बायस की जो वोल्टेज है, जब 2 वोल्ट था तो करंट था 60 मिली एम्पियर, जब 2.4 वोल्ट हुआ तो करंट हो गया 80 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं फॉरवर्ड बायस का, वैसे लिख दो रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, फाइनल वैल्यू या फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, तो हमारे पास चेंज इन वोल्टेज आ जाएगा, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, एक छोटी सी रेंज के लिए वोल्टेज आ गया, चेंज कितना हुआ वोल्टेज, तो फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज। इसी तरह से फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, फाइनल और इनिशियल ये हो गया कि शुरुआत में 2 वोल्ट जब वोल्टेज रखा था तो करंट कितना आ रहा था, 60 मिली एम्पीयर, और जब उसको बढ़ाकर 2.4 कर दिया तो वो हो गया। अब चेंज फॉलो कर रहा था, दोनों का रेशियो निकालो, सही आ रहा है। ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ जब फॉलो कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जितनी रेंज मेरे को दे रखी है फॉरवर्ड बायसिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है, तो हम उतनी रेंज लेकर चलेंगे बस। मतलब उसका मतलब जैसे आप ये सोच रहे होगे शायद कि इसको इससे कर दो या इसको इससे कर दो, दोनों एक ही चीज़ है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं लेंगे, हम इसको
दोनों का चेंज निकालेंगे क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया कि 2.4 माइनस 2 ये तो हो गया वोल्ट में, और नीचे दे रखा मिली एम्पियर, तो 80 माइनस 60 मिली एम्पियर आएगा, लेकिन करंट तो लगना चाहिए एम्पियर में, तो 10 की पावर -3 कर दो। ठीक है, कुल मिलाकर ये ऐसे था कि 80 × 10 की पावर -3 - 60 × 10 की पावर -3। ठीक, और 2.4 माइनस 2 करा तो कितना आ गया 0.4, और डिनोमिनेटर में 80 - 60 करा तो कितना आ गया 20 × 10 की पावर -3 ऊपर चला गया 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 50 तो ये आ गया हमारे पास 20 ओम। उसके बाद देखिएगा रिवर्स बायसिंग, अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होता कि कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर नहीं दी होती, हाँ, तो हम ये और उसका नहीं लगा सकते, तो नहीं लगा सकते। और फिर बोलता कि अगर रेजिस्टेंस निकालो तो क्या होता, एक ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद वही कराऊंगा। ठीक है, उसमें फिर हमारे पास ये डेटा जो है इनसफिशिएंट रहता था। ठीक है, जरा देखते हैं रिवर्स बायसिंग के लिए रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायसिंग, तो इसमें भी क्या हो जाएगा -2 - 0 - -0 upon -0.25 × 10 की पावर -6 लिख दूं, माइक्रो एम्पियर दे रखा है इस बार। ठीक है, और -0 इसमें से इसको और इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, तो रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायसिंग क्या हो गया -2 upon -0.25 × 10 की पावर -6 ऊपर चला जाएगा 1 2 3 4 5 6, इतने जीरो आ गए, ये पॉइंट गया, 1 2 2 0 और आ गए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसमें से 2 0 निकाल कर 200 के साथ लगा दो और इधर लिखो 10 की पावर 6, ये 25 एट का 200, तो 8 × 10 की पावर 6 हो, ये रिवर्स बायस का रेसिस्टेंस आ गया। कुछ ज़्यादा ही नहीं है रेसिस्टेंस, है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि रिवर्स बायसिंग में रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इतना रेसिस्टेंस है, जरा सी नमी सी करंट माइक्रो एम्पियर की ये कहाँ पास कर पाएगी। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। तो रिवर्स बायसिंग में अगर हमारे पास रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा आता है तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में रेसिस्टेंस अगर बहुत कम आता है तो भी समझ लेना कि हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जो रियर डायोड है उसकी रिलेशनशिप हमको दे रखी होगी, तो ग्राफ बनाकर दे देते हैं और फिर उस क्वेश्चन को करना किस तरीके से वो देखना है। ये मिटा रहा हूँ इधर से, ये ऑनलाइन वालों को आ गया भाई समझ में, बताइए कॉम्बिनेशन वाले जो न्यूमेरिकल्स थे वो आएंगे। नहीं, मिरर और लेंस तो करना ही नहीं है, मिरर और लेंस तो मैंने भी नहीं करा है। हां, मिरर और लेंस नहीं आ, लेंस है, लेंस कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल क्यों करवाया था नहीं, मिरर तो है ही नहीं सिलेबस में, हमें तो प्रैक्टिकल करवाया, प्रैक्टिकल करवाया, फोर्थ करा दिया वो, हो सकता
आटा हो, हो सकता है प्रैक्टिकल में से ना आटा हो। मैंने प्रैक्टिकल की लिस्ट नहीं देखी। मेरे को ये मालूम है कि स्टार्टिंग ही रिफ्रैक्शन से हो रही है, रिफ्रैक्शन होता ही लेंस में, और कहीं पर भी मिरर वाली चीज़ कहीं पर मेंशन नहीं है। जिस डायरेक्शन में आपका बैरियर पोटेंशियल है,
तो जब सेम डायरेक्शन होता है दोनों का तो वो उसकी विड्थ को बढ़ा देता है, और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि उसमें भी ज़्यादा लगता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वो उसको रिड्यूस कर देता है। ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है। अब इसमें इन्होंने क्या समझाया है, इधर दे रखा है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 ये हो गया वोल्ट्स, इधर वोल्ट्स है और ऊपर दे रखा है इन्होंने करंट, करंट आई और ब्रैकेट में मेंशन किया है एम ए मतलब मिली एम्पियर, और ये वोल्ट्स में ही है। इससे पहले इन्होंने क्या करा कि वन से जरा सा पहले और वन के जरा सा बाद ये दे रखा है कुछ ऐसे ही, टू से जरा सा पहले और टू के जरा सा बाद इसमें भी वैल्यू दे रखी है इन्होंने कुछ ग्राफ में। वो ग्राफ में वैल्यूज क्या क्या है देखिएगा, इधर है 10, 20, ये है 10, 20, 30, 40, है ये 50 है और ये वाला है 60 और ये जो ऊपर वाला है ये दे रखा है 80। ठीक है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से दे रखा है। और रिवर्स बायस में यहाँ दिया है माइनस का 0.5, माइनस का 1.0 और माइनस का 1.5। जो रिवर्स बायस में करंट है उसका जो रेंज है वो दे रखा है माइक्रो एम्पियर में, -1, -2, -3, -1, -2 और -3। और ये वैल्यू दे रखी है ब्रेकडाउन जाएगा। चलो देखिएगा जब इन्होंने ऐसा नहीं दे रखा होता ना कि आपका रिलेशनशिप जो है बी और आई के बीच में लीनियर है, जब ऐसा नहीं दे रखा होता तो ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं ये ग्राफ गिवन है। हाँ ये ग्राफ गिवन है, ठीक है गिवन इन द फिगर। तो यहाँ पर आप ये देखो कि इन्होंने बोला है कि फॉरवर्ड बायस रेसिस्टेंस में को कैलकुलेट करना है जब वी 2 वोल्ट है और 1 वोल्ट है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो डायोड है ये सेंसिटिव कितना है, तो मैं ये कहूँगा कि 1 वोल्ट से ज़रा सा पहले और 1 वोल्ट के ज़रा सा बाद वाला हमने जो वोल्टेज लिया तो हम ये कहेंगे कि उसमें हमारा करंट में चेंज कितना हो रहा है, 20 - 10 ये हो रहा है। इसी तरीके से जो 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट के ज़रा सा पहले और 2 वोल्ट के ज़रा सा बाद उसमें वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हो रहा है 20 mA/80 - 60। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करा जाता है कि जरा सा पहले वाली वैल्यू, और ज़्यादातर जब भी क्वेश्चंस ऐसे आए हैं तो उसमें ये वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है ये वैल्यू दे रखी होती है। तो हमें ये देखना होता है कि जिस पर भी जैसे यहाँ पर वोल्टेज दे दी उन्होंने तो ठीक है, और उन्होंने करंट तो नहीं दिया तो हम ये कहेंगे कि 1 वोल्ट से ज़रा सा पहले और ज़रा सा बाद वाला उसमें जो डिफरेंस है वो करंट ले लेंगे, ऐसे ही 2 वोल्ट से ज़रा सा पहले और ज़रा सा बाद वाला जो डिफरेंस है करंट का वो ले लेंगे। ठीक है तो यहाँ आप फॉरवर्ड बायस जो निकालेंगे वो कैसे निकालना है देखिएगा, हाँ रेसिस्टेंस निकालना है यहाँ लिखे आर एफ बी एट RFB at 2 volt। और मैंने ये पूरा ग्राफ बनाया नहीं है, इसमें क्या है ना इसमें जो इसके जो डिविजन्स हैं वो डिविजन्स दे रखे हैं, तो ये वाला जो डिविज़न है
ये दो वैल्यू कम का दे रखा है, यानी कि ये कितना हो गया 0.8, और ये वाला जो डिवीजन है इसमें 2 पॉइंट आगे का, तो 2 पॉइंट पहले 2 पॉइंट बाद में छः में बताया हुआ है 1.2, हाँ ये दे रखा है, मतलब वो डिवीजन्स दे रखे हैं, वो डिवीजन्स हमको काउंट कर देंगे कुछ है। जैसे ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ में जैसे डिवीजन्स होते हैं, मैं एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बना पाया ना यहाँ पर, तो वो बता रहा हूँ आपको कि ये 2 से 2 पॉइंट कम 1.8, और ये 2 से 2 पॉइंट ज़्यादा यानी कि 2.2। तो जब RFB निकालना है मेरे को, यानी कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस निकालना है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट से एग्जैक्टली 2 वोल्ट पर नहीं निकालूंगा, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो मैं ये कहूँगा 2 से ज़रा सा बाद वाला वोल्टेज 2.2, और 2 से ज़रा सा पहले वाला वोल्टेज 1.8। तो हम ये कहेंगे इतनी रेंज में वोल्टेज चेंज कितना हो रहा है, 2.2 माइनस 1.8। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह से है, जैसे आपने एक रेंज मतलब एक वैल्यू दे रखी है हमको 2 वोल्ट, तो उसके ज़रा सा आगे और ज़रा सा पीछे वाली वैल्यू लेकर उसका एवरेज निकाल लिया हो इस तरीके से। तो 2.2 माइनस 1.8, और इसी तरह से अगर मैं 2.2 की बात करूँ तो हमारा करंट आ रहा है 80, और 1.8 की बात करूँ तो करंट आ रहा है 60 मिली एम्पीयर। तो 80 माइनस 60 10 की पावर माइनस 3, तो 2.2 माइनस 1.8 कितना हो गया 0.4, 20, और 10 की पावर 3 ऊपर चला गया मतलब 1000 हो गया, और ये पॉइंट नीचे आ गया इसका मतलब 10 आ गया, तो 1, 2, 1, 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 5s are 10, 5 4s are 20 ओम। ये तो 2 वोल्ट पर फॉरवर्ड बायस रेसिस्टेंस हमारा इतना हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1 वोल्ट की बात करी जाए, RFB एट 1 वोल्ट अगर इसकी बात करी जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही 1.2 माइनस 0.8, 1.2 माइनस 0.8, और 1.2 पर कितना 20, और इस पर कितना 10, 20 माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये हो गया 0.4 अपॉन 10, और ये ऊपर आ गया 1000, 0 से 0 कैंसिल, 1 लैक, यहाँ आ गया 40 ओम। तो इस तरह से आप ये देखिएगा कि जब भी रिलेशनशिप लीनियर नहीं दे रखी है तो हमारा रेसिस्टेंस चेंज होता रहेगा। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस था वो ज़्यादा था, यानी कि करंट कम फ्लो कर रहा था, और धीरे 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 रेसिस्टेंस जो है वो हमारा कम होता चला गया, रेसिस्टेंस कम हो गया 20 ओम, ये ऊपर वाली वैल्यू पर रेसिस्टेंस कम हो गया। तो कम हो गया मतलब अब फॉरवर्ड बायस प्रॉपरली हो गया है, अब करंट थोड़ा ढंग से फ्लो कर रहा है क्योंकि रेसिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। उसके बाद देखेंगे जब हम रिवर्स बायस की बात करेंगे, तो रिवर्स बायस में हम पूछ रहे हैं कि आपको एक तो माइनस 1 वोल्ट पर बताना है और एक माइनस 2 वोल्ट पर बताना है। तो इसमें क्या करें, माइनस 1 से थोड़ा सा पहले ले लो और माइनस 1 के थोड़ा सा बाद ले लो। क्या करेंगे, माइनस 1 से थोड़ा सा पहले की अगर हम बात करते हैं, मतलब आपको फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू माइनस 0.8 और फाइनल वैल्यू माइनस 1.2। तो माइनस 1.2 और माइनस 0.8, समझ गए, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू तो माइनस 0.8 है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो माइनस माइनस हो गया। अच्छा, और इस पर भी वैल्यू लगभग सेम आ रही है, इस पर भी वैल्यू लगभग सेम आ रही है, तो हम ये कहेंगे I माइनस I। तो क्या हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और ऐसा ही होता है अगर कोई हमारे पास डायोड है, तो अगर आइडियल डायोड होता है कि इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर है, तो हम इनफाइनाइट बोल देंगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि भाई जो हमारा करंट है, करंट में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो रेसिस्टेंस बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, और यही होता है रिवर्स बायस में, रेसिस्टेंस की बहुत बड़ी वैल्यू आती है। ठीक है, सिमिलरली जब आप ऊपर करेंगे माइनस टू पर, तो इससे पहले भी और इसके बाद भी लगभग बहुत मामूली सा अंतर है, तो हम इसमें भी यही करेंगे। ये था RRB एट माइनस 1 वोल्ट, इसी तरीके से यहाँ करेंगे RRB एट माइनस 2 वोल्ट। तो माइनस का 2.2 और माइनस 1.8 अपॉन I माइनस I, ये भी आपका इनफिनिटी के बराबर।
कर दे इस वैल्यू को, चाहे तो कुछ ले सकते हैं, इस वैल्यू को चाहे तो कुछ ले सकते हैं, इसका आधा ले लो -0.25, ठीक है। तो आप या तो इसको इस तरीके से इन्फिनिटी दिखा सकते हैं, और अगर इसकी वैल्यू लेनी है तो वैल्यू लेने के लिए हम ये कह सकते हैं ऑल्टरनेटली देखिए इसका ये कौन सोल्यूशन है, हम ये कहेंगे सिंस देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट, सिंस देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर -1 वोल्ट कोई चेंज नहीं है, तो हम इसको ये कह देंगे आर आर बी इज इक्वल टू वही -1.2 -0.8। तो जब चेंज ही नहीं है तो हम ये कहेंगे कि भाई जब चेंज नहीं है तो आप फिर एक सिंगल वैल्यू भी ले सकते हैं, तो अगर वो सिंगल वैल्यू -0.25 जो कि यहाँ पर नहीं दे रखी, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -0.25, सिर्फ ये लिख दिया आपने, कोई चेंज ही नहीं है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -1.2 + 0.8 upon -0.25, ये कितना आ गया -0.4 upon -0.25, ऐसा पहले वाला जैसे ही बन गया ना, तो ये लगभग आपका 8 × 10⁶ ओम आ गया, ठीक है। गलत करो -6 भी तो करना है, ये तो पॉइंट हटाकर हुआ और ये हमारे पास हो गया 16 × 10⁶ हो गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनफिनिटी, ठीक है। वो इतना बड़ी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू है, मेगा ओम हो गया, मेगा ओम। तो मेगा ओम कहाँ पर आएगा, मेगा ओम आएगा कहाँ पर, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर में, मैं कर रहा हूँ इतने से डायोड की बात, तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस है। आप अगर वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू ये दे सकते हैं, और नहीं तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको रिवर्स बायस को करने का ये तरीका होगा, ठीक है जी। सेमी कंडक्टर में अगर क्वेश्चन आता है तो सेमी कंडक्टर में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और आपके 2-3 क्वेश्चन जो हैं जो कल देखे थे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स पूछा जाता है, वो वाला सर ने लगाए हुए यहाँ पे ओम्स लॉ ही तो है, यहाँ पर तो ओम्स लॉ लगाया, इसमें भी ओम्स लॉ, सब में ओम्स लॉ ही लगा रहे हैं। लेकिन क्या है कि उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हम चेंज लेते हैं बस, इसमें चेंज क्यों लेते हैं, मेरे को ये कन्फ्यूजन है, जब हम वहाँ से 1 वोल्ट वैल्यू निकालना बताता हूँ क्या है कि जब हमने इतना छोटा सा वैल्यू ले लिया तो इतने से छोटे से वैल्यू के लिए हम ये कहेंगे कि ये जो कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम किया जा सकता है, और स्ट्रेट लाइन अगर हो गई तो लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप तो मतलब हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि जब भी कभी हमसे, अच्छा मान लीजिए इंटीग्रेशन की बात करी जाती है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कैसा भी सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी आपको एरिया दे रखा है जिसकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसे मान लो अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया तो हमें पता होता है ना, लेंथ होती है स्ट्रेट और ब्रेथ होती है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी आपको इस तरीके का एरिया दे दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ऐसे कुछ भी दे दिया, तो आप ये देंगे कि मैं छोटे से एलिमेंट का एरिया निकालूंगा और फिर ये देखूंगा कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, फिर उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। अगर मान लो इतने से एलिमेंट का एरिया निकाल लिया और ऐसे 100 एलिमेंट है तो इसके एरिया में 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर भी वही बात है कि मैंने इतना सा टुकड़ा ले लिया, तो हम ये कहेंगे कि अगर ये छोटी सी लेंथ है ना, ये इतनी सी, तो इस लेंथ को मैं ये नहीं बता सकता कि ये कर्व है या स्ट्रेट लाइन है, तो ये देखने में लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन जैसी ही दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करेगा इतने में, समझ गए।
इतने में लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करेगा, लीनियर रिलेशनशिप मतलब ओम्स लॉ हो गया, तो इसलिए ओम्स लॉ रहा है, समझ गए? तो इसीलिए इतने का चेंज निकाला है वोल्टेज का और इतने का चेंज निकाला है करंट का, ठीक है? चलिए जी, इसके बाद फिर रे ऑप्टिक्स पर आते हैं। इतने जो आपको ये चार या पांच करवाए हैं ये न्यूमेरिकल सफिशिएंट है सेमीकंडक्टर में, इतना ही या तो ये पूछा जाएगा, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल इसमें पूछा नहीं जाएगा। रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स जो हमारा शुरुआत होती है, शुरुआत ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक हमारा टोटली थ्योरेटिकली है, क्योंकि उसमें एक तो ये बताया जाता है कि जो दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाइन द सेम वे, और दूसरा होता है स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में हमने ये प्रूव करा था कि 1 μ₂ इज इक्वल टू 1/2 μ₁। 1 μ₂ का मतलब ये है कि μ₁ से μ₂ में जा रहे हैं, और 2 μ₁ का मतलब ये है कि μ₂ से μ₁ में जा रहे हैं। ये भी थ्योरेटिकल है, प्रूफ है इसका सर, तो इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब है, फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया है, और एक दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं इसकी, जैसे कि मिराज हो गया और जो आपका अपेरेंट डेप्थ वाला होता है स्विमिंग पूल का, ठीक है? ठीक है जी, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपके शुरू होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो पहला क्वेश्चन नोट करिएगा, एक बार आया 91 में, एक बार क्वेश्चन आया, उसके बाद कभी आ गया 91 तो और एक बार क्वेश्चन आया था, कहो तो वो करवा देते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है, क्या करें क्या करें, ये इसमें दे रखा है ना, ये आपका हो गया, ये हो गया रियल टाइम अपॉन अपेरेंट डेप्थ, इससे इफेक्टिव इंडेक्स निकल जाए, उसके बाद इसको क्वेश्चंस करने आए हैं, यहां पर हिमाचल में आ रहा है 98 2000 से पहले IIT में आती है, ये ICSE बोर्ड है, ये ISE बोलते हैं इसको, उसके बाद अगर देखें तो CBSE में बस यहाँ आया 1991 तो मिला है म्यूजिक को रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट, इसी का सिग्नेचर का भी हुआ था, ठीक है? पंजाब में भी मतलब 2000 के बाद आ रहे हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं, हाँ 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 सब कुछ पता है, मैं उसकी बात थोड़ी कर रहा था, मैं इसकी बात करा दूँ जिसमें थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब यूज करते हैं, हाँ उस पर नहीं आता ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन नोट करें, ये क्वेश्चन आया था 2010 में, तो ये करा जा सकता है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, critical angle is
30 डिग्री क्रिटिकल एंगल याद है क्या होता था? तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री. ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे लिया जाता है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री. तो हम ये कहते हैं इसमें कि जनरली ऐसा होता है कि क्रिटिकल एंगल निकाला ही तब जाता है जब हम बेंसर से रेयर मीडियम पे जाते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए ये बेंसर मीडियम है, बेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया म्यू टू, और ये रेयर मीडियम है, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया म्यू वन. ठीक है, और ये ऐसे रे ऑफ लाइट गई तो ये यहाँ पर नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना लीजिए आई. ठीक है, और ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टेड रे जो है ये कितना बना रही है? ये 90 डिग्री बना रही है. ठीक है, तो यहाँ पर जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई सी बोल देते हैं. आई इज इक्वल टू आई सी यानी कि क्रिटिकल एंगल. ठीक है, तो जब भी हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं उस टाइम अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर होगा. अब इसमें अगर स्नेल्स लॉ लगाएं, भाई स्नेल्स लॉ बताओ क्या आ रहा है? पता था इधर से कुछ जवाब आ रहा है. ये सही है, बाय स्नेल्स लॉ क्या करेंगे? ये क्वेश्चन पेपर में आया था मेरे पे. अच्छा, तो इंसिडेंट रे जो है वो कहां पर है? डेंसर मीडियम में. तो हम इसको क्या लिखेंगे? साइन आई सी अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक, इज इक्वल टू, हम कहां से कहां जा रहे हैं? हम सेकंड से फर्स्ट में जा रहे हैं, तो सेकंड से फर्स्ट में जाने का मतलब 2 म्यू 1. ठीक, अच्छा, जब हमको कोई दूसरा मीडियम, जब रेयरर मीडियम नहीं दे रखा होता तो रेयरर मीडियम को हम जनरली क्या मानते हैं? एयर मानते हैं. और एयर के केस में जो म्यू वन है ये आपका वन हो जाता है. चलिए, ये साइन आई सी अपॉन साइन आर निकाल लिया है ना, स्पीड निकाल लिया इन्होंने बोला कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम आर ऑन द क्रूसिबल. तो साइन आई सी क्रिटिकल एंगल क्या दे रखा है? 30 डिग्री. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या दे रखा है? 90 डिग्री. तो साइन 30 अपॉन साइन 90 हो गया. Is equal to, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा. अच्छा, अब जरा देखो ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है, अगर इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में अगर लिखना हो तो 2 म्यू 1 को आप लिखेंगे म्यू 1 अपॉन म्यू 2. ध्यान देना, पहले 1 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 2. लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में लिखना है तो वी 2 अपॉन म्यू 1 हो जाएगा. स्पीड ऑफ लाइट मतलब अगर जिस मीडियम से आप गए हैं तो पहले वो वाली स्पीड आएगी, जिस मीडियम में आप पहुंचे हैं बाद में वो वाली आएगी. ठीक है, लिखने का तरीका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी, कि आप कहां से कहां जा रहे हैं? आप 2 से 1 जा रहे हैं तो 2 म्यू 1 लिखोगे उसको, लेकिन अगर इसका रेशियो निकालना होगा तो उल्टा होता है म्यू 1 अपॉन म्यू 2. तो ये जो पूरा रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है. आप देखिएगा और तुमसे यही गड़बड़ हुई होगी, तो वी 2 अपॉन वी 1 अपॉन वी 2 करा होगा, है ना? तो अब साइन 30 जो है, साइन 30 हो गया हमारा 0.5, आधा होता है 1/2, और साइन 90 हो गया 1. V2 क्या हो गया? जो मेरे को निकालनी है स्पीड. और V1 क्या हो गया? V1 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी कि 3 × 10⁸. अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक है दोबारा बोलो. इसमें कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए. जब भी कभी मेरे को ये लिखा हुआ मिलेगा ना, 2 म्यू 1 लिखा हुआ मिलेगा, तो आप बस ये समझ लेना कि ये जो नीचे लिखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो 2 म्यू 1 का मतलब क्या है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम. तो वो जो विद रिस्पेक्ट टू होता है वो नीचे गया है, बस ये याद रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो वो नीचे है. हम जो भी करेंगे, जिस मीडियम से हम चालू करेंगे उस मीडियम को हम बोलेंगे वहाँ पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए. तो मैंने डेंसर से चालू करा, क्रिटिकल एंगल का कोई भी क्वेश्चन आए तो समझ लेना हमें डेंसर से रेयरर में ही जाना है, रेयरर से डेंसर में नहीं जाना, डेंसर से रेयरर में जाना है.
तो डेंसर वाला तो हम लेंगे क्रिटिकल एंगल, और रेयरर वाला होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो होगा 90 डिग्री. ठीक है, तो इस वजह से साइन आई सी अपॉन साइन आर करा, क्योंकि साइन आई सी का है टू मीडियम में और ये वन में, तो टू से वन में जा रहे हैं, क्या लिखेंगे टू म्यू वन. ठीक है, लेकिन रेशो क्या बनेगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू, और टू म्यू वन जा रहे हैं तो जो स्पीड का रेशो है वो सीधा सीधा वी टू अपॉन वी वन ही बनेगा. समझ गए? ठीक चले भाई, याद रहेगा. हाँ, आगे देखते हैं. अब अगला क्वेश्चन है, 2017 में आया है ये, कंपार्टमेंट में आया है, एग्जांपल नंबर 38 आपके मतलब कर लो कम. अच्छा एक बार ना ये भी मतलब गौर फरमाने वाली चीज़ है, कंपार्टमेंट के क्वेश्चन टफ होते हैं नॉर्मल वाले उससे. अच्छी स्टोरी बताइए. अरे बच्चों ने गड़बड़ करना शुरू कर दिया था, और फिर कॉलेजेस में प्रॉब्लम होती थी, यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम होती थी. हम मान लो हमारे 5 पेपर हैं, बच्चे क्या करते थे, 2 पेपर ही छोड़ देते थे या तैयारी नहीं करते थे उसकी, कि कंपार्टमेंट दे देंगे क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर ईजी आता था, तो परसेंटेज उनकी हाइक कर जाती थी. मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री कमज़ोर है या फिजिक्स और मैथ्स बेकार है, दोनों में से कोई भी हमारे 2 सब्जेक्ट्स कमज़ोर हैं, तो 2 की तैयारी ही नहीं करी, और कंपार्टमेंट में फिर 2 महीने मिलते थे पूरे. वो मार्च में होता था, वो होता था जाकर जून में, कहीं जून या जुलाई में. तो ये चलाकी करते थे, अब कंपार्टमेंट का टफ बनाना शुरू कर दिया पेपर, कि अगर फेल हो गए तो बेटा पास नहीं हो पाओगे फिर. चलिए जी, अगला आप एक रूल बनाओ तो सही, एक रूल बनाओ हमारे कंट्री में, रास्ते 2-10 निकाल लेते हैं. चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा. इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट. हाँ, आप लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है. क्या सर? कि 2 डिग्री एक साथ परस्यू कर सकते हो. एक साथ 2 डिग्री परस्यू कर सकते हैं आप लोग, पता है कि नहीं? पर वो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी अलग अलग स्टेट्स में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. तो कैसे करेंगे? वो तो पता चल जाएगा ना, नेट वगैरह पर चेक कर लेंगे. अभी तो आया 2-3 दिन पहले तो फैसला आया. मतलब अगर मान लो किसी के ऊपर ये प्रेशर है कि नहीं, मेरे को पेरेंट्स ने जबरदस्ती साइंस दिलाई थी, मेरे को ये बीटेक करना ही पड़ेगा, है ना, या बीएससी करनी पड़ेगी, तो आप एक तरफ तो बीएससी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मन में ये है कि नहीं, मेरे को तो कुछ फाइन आर्ट्स में करना है, या मेरे को तो कुछ इंग्लिश में करना है, कुछ और करना है, कोई भी, तो आप दूसरा सब्जेक्ट वो भी कर सकते हो. पहले भी लोग करते थे ये काम, लेकिन चोरी छुपे करते थे, लेकिन आप लीगल कर दिया इसमें. ये चोरी छुपे वाली कहानी मुझे इस वजह से पता है क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, और वहाँ बच्चे दो तीन बच्चे ऐसे जरूर होते थे जो क्या करते थे, जैसे बीटेक करने के बाद जनरली एक ही ट्रेंड चल रहा है, 8,000-10,000 की नौकरी लगती है, जो यहाँ पर जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी बात करें, बहुत अच्छे आप स्टूडेंट हैं, इत्तेफाक से आपकी किस्मत से कोई अच्छी कंपनी आ गई, 15-16,000 मिल जाएंगे. हाँ, वहीं दूसरी तरफ वो बीटेक वाले बच्चे किसी से कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं पूरे. तो वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े, उन्होंने क्या करा, 12th क्लास करने के बाद जो जिनके पेरेंट्स का और बच्चों का इस चीज़ पर दिमाग था कि हमको बहुत अच्छे फील्ड में कहीं करियर बनाना है, तो उन लोगों ने क्या करा कि वो बीटेक वगैरह की तरफ या प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ चले गए. अब जो कॉलेजेस हैं जिनमें बीए, बीएससी ये सारे कोर्सेज रहने लगे खाली धीरे धीरे, और यहाँ पर जो बच्चे जाते हैं वो भी बिल्कुल बकवास टाइप के जाते हैं, बेकार एकदम, जो पढ़ाई में एकदम कबाड़ा होते हैं. तो कई बच्चे ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, उन्होंने इधर बीटेक में भी ले लिया एडमिशन, और साइड बाई साइड एमएमएच कॉलेज से उनकी बीए भी चल रही है, गाज़ियाबाद में है ना एमएमएच कॉलेज, वहाँ पर जाकर बात कर ली प्रिंसिपल से कि जी मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँगा, मेरी अटेंडेंस को आप वो कर लो, अटेंडेंस लगा देना. वो भी खुश भाई, जिस कॉलेज की फीस ही साल की 1,500 रुपये या 2,000 रुपये, आपने 10,000 रुपये ले लिए, उनको तो बहुत पता नहीं क्या मिल गया, तो वो कहाँ से कर लेते थे. हाँ, बहुत कम होती है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है. अब वो बच्चे क्या करते थे कि आपने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती. वो कर लिया, वो करने के बाद एक आपने सुना होगा जगह जगह ऐड लगे हुए देखे होंगे, सी टैट की तैयारी करवाई जाती है हमारे यहाँ, एसएससी की तैयारी, यूपी टैट, है ना, बी एड, डी एल एड, बीटीसी, पता नहीं क्या क्या. वो क्या होता है कि उधर तो बच्चे ने बीटेक करा,
वो तो होता है 4 साल में, और 3 साल में ग्रेजुएशन हो गया, 3 साल के बाद 4th ईयर में बीटेक में रेगुलर क्लासेस चलती नहीं है, अप्रेंटिसशिप वाला टाइम होता है, वो रेगुलर क्लासेस नहीं चलती। तो उस 1 साल में बच्चा अप्रेंटिसशिप किया तो जुगाड़ कर लेता है किसी कंपनी से, फॉर एग्जाम्पल ITC कंपनी है यहाँ पर गुलमोहर को गुलधर में, ITC इंडियन टोबैको कंपनी बोलते हैं, इंटरनेशनल टोबैको कंपनी है, तो उसका एक वो है फैक्ट्री आउटलेट है, फ्रूटी वगैरह सब इधर ही बनती है, वो बराबर है। तो क्या होता है कि वहाँ पर जाकर बात कर लेते हैं HR से कि भाई मैं आऊँगा नहीं आपके यहाँ, मुझे ट्रेनिंग लेटर दिलवा देना बस, ठीक है। तो वहाँ से तो कॉलेज में तो ये चला जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। और वो बच्चा क्या करता था, वो जो लास्ट का 1 साल उसको मिलता था उसमें करता था गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी, और फिर सरकारी स्कूल में टीचर लग जाते हैं, और सरकारी स्कूल में टीचर 4th-5th क्लास को पढ़ाते हैं, उसको 70,000 से शुरुआत होती है, 70,000 रुपये महीना सैलरी बता रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है अब ये मतलब कंपटीशन बढ़ेगा उस फील्ड में, क्योंकि अब डुअल डिग्री अलाउ करती है, और कंपटीशन बढ़ेगा तो कुल मिलाकर ये सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर नहीं तो सरकारी स्कूलों में कचरा टीचर पहुँचते हैं, पढ़ाना नहीं आता। आपने यूट्यूब वगैरह पर काफ़ी वीडियोज़ भी देखे, वो कोई बोल देता है ए फॉर आ, टीचर ऐसे करता है, बी फॉर बबलू, बी फॉर बबलू, तो अब वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, बस ऐसे किसी से जनवरी फरवरी के एग्जाम स्पेलिंग पूछ लिए तो फरवरी के स्पेलिंग नहीं पता, सी फॉर स्कूटी, सी फॉर स्कूटी, एस फॉर कैट। चलिए जी, इन द फॉलोइंग रेड डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, तो इस ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, सही बता रहा हूँ, ये डबल डिग्री वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई भी आसान सब्जेक्ट जो लगे उसमें कर लेना, सर गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, कैलकुलेट दस Calculate the speed of light in the liquid of unknown refractive index. In the liquid of unknown refractive index. मैंने तो बकायदा एक बच्चे से पूछा था, मैंने कहा कर क्या रहे हो तुम, तब उसने बताया था मेरे को कि सर अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो ये बीटेक की डिग्री फाड़ के फेंक दूंगा और अगर नहीं लगी तो ये वाली डिग्री फाड़ कर फेंक देंगे, है ना। तो वो ये था, अब क्या है वो आप दोनों दिखा सकते, अरे बड़ा बड़ा दिमाग लगाते लोग भी, बड़ा बड़ा दिमाग लगाते, मेरे को तो पता भी नहीं था, वो बेचारा मैं क्लास कोऑर्डिनेटर था, वो बार बार छुट्टी मांगने आ जाता था मेरे से, पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी मांग रहा है, फिर एक दिन उसने सच सच बताया, मैंने कहा आज नहीं दूंगा छुट्टी बैठे रहते, तब उसने बताया कि सर मेरा भविष्य का मामला है प्लीज़, तब मैंने कहा बेटा ले जाते तो छुट्टी, फिर से ज़्यादा मनती तो कोई है ही नहीं। चलिए जी, तो ये फिगर दे रखी है इन्होंने, इसको हल्के में मत लेना, 2017 में आया था एक क्वेश्चन, कम्यूटेशन लगाने लगते हैं ना आजकल बच्चे, कम्यूटेशन लगाने लगते हैं कि ये नहीं आएगा, बहुत टाइम हो गया, ये तो अभी आया था, ये दोबारा क्या आएगा, ये एयर, इधर एयर दे रखा है और इधर जो है ये कोई लिक्विड दे रखा है, अननोन लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जरा देखिएगा कि इन्होंने हमारा काम आसान करने के लिए एक चीज़ तो इन्होंने कर दी, ये तो इन्होंने बता दिया कि ये क्रिटिकल एंगल है, और क्रिटिकल एंगल है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, हमारा काम आसान करने क्या कर दिया इन्होंने, बता दिया ये क्रिटिकल एंगल है, उन्होंने बता दिया ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, समझ गए। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हाँ साइन आई सी तो क्या परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, हाँ ठीक है, आप हाइपोटेन्यूस निकाल लो, हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, ऐसे ही बता दो हाइपोटेन्यूस 50 आएगा,
ये 30 है, ये 40 है, आई पी जो 50 आएगा, 3, 4, 5 कॉमन है तो बहुत ज़्यादा चीज़। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि साइन आई सी की वैल्यू, साइन आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5। ये समझ में आ गया, साइन आई सी 3/5 आ गया, ये हमारा ऐसे निकल गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। अब ये जो लिक्विड है ये डेंसर मीडियम है और जो एयर है वो रेयर मीडियम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा हो गया म्यू टू और जो एयर वाला है वो हो गया म्यू वन। अब एयर है तो म्यू वन की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। हमें डेंसर से रेयर नहीं जाना है जब भी क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, साइन आई सी अपॉन साइन आर। मेरी बात समझ में आ रही है, साइन आई सी अपॉन साइन आर। तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, मैं 2 से 1 की तरफ जा रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे क्या 2 म्यू 1। और अब फिर से वही है, स्पीड ऑफ लाइट की बात करी जा रही है, तो मैं 2 से 1 पे जा रहा हूँ तो सीधा सीधा ऊपर 2 और नीचे 1 लिखा जाएगा, वी टू अपॉन वी 1। और मुझसे यही पूछा जा रहा है कि वी 2 बता दो, स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड, ठीक। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो मुझे पता ही है 3/10^8। तो ये क्या हो गया, ऊपर 3/5 और साइन आर क्या हो गया, साइन 90° इज इक्वल टू वी 2 अपॉन 3/10^8। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से वी 2 इंटू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/5 इंटू 3/10^8। तो 0.6, तो 1.8 × 10^8 ही है ना, yes. मीटर पर सेकंड। दिमाग में ये बतलाना कि मीटर पर सेकंड अरे ये तो सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करा हमने। क्या है कि साइन आई सी से निकला क्या रेशियो निकला ना, तो आप उसको भी मीटर में, उसको भी मीटर में करते हैं तो क्या होता, 3/30 × 10^-2 मतलब वो रेशियो है, रेशियो में तो आप किलोमीटर में भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए जी इतना करिए, बाकी न्यूमेरिकल्स कल कंटिन्यू कराते हैं, अब अगली क्लास मैथ्स के लेंगे, 2 मिनट रुक जाते हैं बस।